नीट परीक्षा में घोटाले को लेकर देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन का दौर शुरू हो चला है। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी आज देश भर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का असर इंदौर में देखने को मिला, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और इस घोटाले की CBI जांच की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन, नीट परीक्षा घोटाले में CBI जांच की मांग। ठीक करेंगे तीन काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, शिक्षा और परिणाम। बोलो बोलो भारत माता की जय। भारत माता चोर है, चोर है, चोर है। क्या है नीट UG 2024 घोटाला और क्यों इतनी चर्चा में है, आइए आपको बताते हैं। गौरतलब है एक बार फिर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA सवालों के घेरे में है। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा यानी नीट के नतीजों में भारी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की। भारतीय चिकित्सकों के संगठन ने भी CBI से इसकी जांच की मांग उठाई। वहीं अब इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी मैदान में उतर गया, जिसको लेकर इंदौर सहित देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। ठीक करेंगे तीन काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, शिक्षा और परिणाम। बोलो बोलो भारत माता की जय। भारत माता चोर है, चोर है, चोर है। मौजूद है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में और यहाँ पर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यहाँ पर लगातार जो है जो जितने भी जो परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं उनको लेकर लगातार जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक के बाद एक जो है प्रदर्शन कर रहा है, मांगे उठा रहा है। आज भी यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री राधिका, जानते हैं उनसे कि आज किस प्रकार की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, अभी नीट UG का रिजल्ट आया है और लगातार जब भी नीट का रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है। विद्यार्थी परिषद ने पहले भी नीट एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई, परंतु उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है पर उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उसी के कारण हम लोग NTA का विरोध हम लोग कर रहे हैं और हमने हमारी NEC बैठक सूरत में भी वहाँ पर सड़कों पर उतर के आंदोलन किया। आज समस्त देश में विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रहा है। हम लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इस प्रकार के रिजल्ट के बाद आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये आत्महत्या रुकना चाहिए। साथ ही वो जो लाल फिताशाही कर्मचारी उस NTA एजेंसी में बैठे हैं उनको निकाल करके बाहर फेंकना चाहिए, इस प्रकार की डिमांड हम करते हैं। नीट के कुछ बच्चे जो इस बार टॉपर्स की संख्या काफी शायद अगर जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से 63 टॉपर्स इस बार जो है ऑल इंडिया जो आए हैं और कुछ तो एक ही सेंटर्स के हैं उनमें से, तो इसको लेकर क्या कुछ मतलब कि कुछ बच्चों ने भी कुछ आंदोलन जो बच्चे उस परीक्षाओं में बैठे थे क्या उनके द्वारा भी कुछ ऐसे आंदोलन? बिल्कुल, अभी आप जो हमारे साथ भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसमें भी वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने वो एग्जाम दी थी और एक ही सेंटर से टॉपर आना कहीं ना कहीं NTA की गड़बड़ी को सामने लाता है। उसी को लेकर के हम लोग पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही हम कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे जिसमें हम CBI जांच की मांग करेंगे। अभी लगातार अभी एक MBA के पेपर लीक का भी मामला सामने आया था, इस प्रकार से लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं और उन कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसकी नब्ज कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि कैसे ये सब जो है इतने घोटाले हुए पा रहे हैं। जब अभी MBA का पेपर लीक हुआ है उसमें भी कुछ लोग अभी दोषी पाए गए हैं, उसके ऊपर भी हमने कठोर कार्रवाई की मांग करी है, और जो अभी नीट UG वाला मामला है इसमें भी हम दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर हमने CBI जांच की भी मांग करी है। अगर ये आज आपके ज्ञापन के बाद से कोई कुछ आगे नहीं बढ़ता है मामला, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर आगे के आप लोगों की क्या रणनीति है? अगर इसके बाद भी कोई फैसला नहीं लिया जाता है, CBI इंक्वायरी नहीं की जाती, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। DAVV की तरफ से क्या आश्वासन MBA जो भी जितने भी पेपर लीक के मामले में क्या दिए जाए? DAVV की तरफ से जिनके द्वारा पेपर लीक हुआ था उन दोषियों पर कार्रवाई की गई है। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, जिन्होंने बताया कि लगातार इस तरीके से जो एग्जाम्स में घोटाले हो रहे हैं जिसके कारण कई छात्र जो है बड़ी मेहनत करके जो है परीक्षाओं में बैठते हैं, कई सालों तक मेहनत करते हैं, उनके माता पिता की खून पसीने की जो कमाई है वो इन परीक्षाओं को देने में जो है वो
मतलब खर्च हो जाती है, उसके बावजूद जब रिजल्ट आता है तो इस प्रकार से निराशाजनक आता है कि उसमें घोटाले सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार इस प्रकार की जो घोटालेबाजी और धोखाधड़ी के विरुद्ध मांगे उठाता आया है। आज भी इसी को लेकर जो नीट परीक्षा हुई है, जैसे कि उसमें जो एक घोटाला हुआ है जिसमें टॉपर्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसमें कई सारे विद्यार्थी तो एक ही सेंटर के बताए जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। क्योंकि नीट की एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम होती है जो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है और आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक साथ इतने टॉपर्स जो है एक साथ जो है सामने आए। तो इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है और इसको लेकर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही यहाँ पर सीबीआई इस मामले के घोटाले की जांच जो है सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। इसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ में जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी, जो एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो आज कलेक्टर को ज्ञापन देने भी जाएंगे, जो कि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। साथ ही अभी जो एमबीए पेपर लीक का मामला भी काफ़ी ज़्यादा जो है गर्माया हुआ है, जिसमें जो अभी भूतपूर्व जो कांग्रेस की तरफ से सांसद प्रत्याशी थे अक्षय बम, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और ये एमबीए का पेपर लीक करने का मामला जो है उन्हीं के कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा किया गया है, जिन पर कार्रवाई भी की गई है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस तरीके से कई मामले ऐसे हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड में भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं और जिससे बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार ऐसे घोटालों के पीछे लगातार पड़ा हुआ है और इनको रोकने के लिए लगातार जो है आंदोलन एक के बाद एक कर रहा है। और अभी उन जैसा कि आपने उन लोगों ने बताया है पदाधिकारियों ने कि अगर यहाँ पर उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो फिर आगे वो उग्र आंदोलन करेंगे और इस चीज़ को जो है काफ़ी ऊपर तक लेकर जाएंगे। कैमरामैन विशाल के साथ निकिता रघुवंशी, रेड इंडिया 24 इंदौर। इस आरोप के बाद एनटीए का कहना है कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई, केवल 6 केंद्रों पर प्रश्न पत्र कुछ देर से बांटे जा सके थे, केवल 1600 अभ्यर्थियों की शिकायत है उसका समाधान किया जा रहा है, 1500 विद्यार्थियों को कृपांक दिए गए थे, उनकी पुस्तिकाओं की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई। परीक्षा को लेकर आरोप है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच में धांधली हुई। आपको बता दें कि हर वर्ष 3 से 4 विद्यार्थी ही पहले स्थान पर पहुंच पाते हैं, इस बार 67 विद्यार्थियों को पहला स्थान मिला, 6 विद्यार्थियों को बराबर अंक मिले, ये सभी एक ही सेंटर पर एग्जाम दे रहे थे। एवरी ईयर व्हेन वी आस्क द चैलेंजेस एंड देन द क्वेश्चंस आर लाइक बिकॉज ऑफ एम्बिग्युइटी द आंसर की व्हेन फाइनलाइज्ड सो देयर आर चेंजेस, सो ऑन दैट बेसिस 44 कैंडिडेट्स हैव गॉट मार्क्स फ्रॉम 715 टू 720 एंड द टॉपर्स नंबर ऑफ टॉपर्स लाइक 17+44। चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी के द्वारा सोशल मीडिया पर इस नीट घोटाले का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद विदेशी मीडिया में भी ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा। दरअसल एनटीए का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया था कि प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोका जा सके। इस परीक्षा में चूंकि लाखों विद्यार्थियों को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ा जाता है और एक ही समय सभी को पर्चे जारी किए जाते हैं, इसलिए उसमें पर्चे बाहर जाने की गुंजाइश नहीं रहती। इतनी तगड़ी सुरक्षा होने के बावजूद अगर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं तो इससे एनटीए की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े होते हैं। वहीं नीट से जुड़े विवाद पर शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध सिंह ने बताया कि इस विवाद का काउंसलिंग प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपने तय समय पर होगी। आपको बता दें नीट यूजी 2024 में शामिल होने के लिए वैसे तो कुल 24 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इनमें से 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। देश के 571 शहरों और देश के बाहर के 14 शहरों के 4700 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। 4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए दोस्तों, इसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम के भी रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि बहुत से अजीब इत्तेफाक इनमें देखे गए हैं। पहला, इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी उन्होंने 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी, नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बार 67 टॉपर्स सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली और इन 67 में से 6 लोग सिर्फ एक सेंटर के थे, क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? दूसरा, 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क्स 720 में से, और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क।
तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर आएगा 715 आउट ऑफ 720। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम 716 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 720 आ सकते हैं, 718-19 पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो गया? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दी, उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपना एग्जाम पूरा करने का। लेकिन सवाल ये कि एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दोगे, कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए, ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया। और तीसरा, रिजल्ट्स की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। ये नीट एग्जाम का रिजल्ट एक्चुअली में 14 जून को आना था लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा कभी होते हुए सुना है आपने? स्टूडेंट्स कहते हैं ये इसलिए किया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर जब हल्ला मच रहा होगा देश भर में तो इनकी आवाज कोई सुने ही ना। क्या यहां पर एक स्कैम को छुपाया जा रहा है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लाखों स्टूडेंट्स के और देश के मेडिकल सिस्टम के फ्यूचर का सवाल है। NTA को जवाब देना पड़ेगा।